नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। दिव्यांगों के लिए रेलवे के तरफ से एक अलग बोगी लगवाई जाती है जिस पर लिखा होता है ये बोगी दिव्यांगों के लिए है। यानी कि जो भी दिव्यांग है, जो चलने में असमर्थ है, इस तरह के लोगों के लिए ट्रेन के डब्बों में अलग से बोगी लगवाई जाती है जिससे कि दिव्यांगों के लिए वो सीट जो है आरक्षित हो सके। लेकिन उस पर आम लोगों का अतिक्रमण एक आम समस्या हो गया है। यानी कि दिव्यांगों के बोगी में आम लोग कब्जा जमाए नजर आ ही जाते हैं। इसी कड़ी में खबर भागलपुर से आई है जहाँ पर अभियान चलाकर दिव्यांगों के बोगी को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। तो चलिए एक बार वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दिव्यांगों के बोगी को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, कब्जाए हुए लोगों को हटाया जा रहा है और किस तरह से लोग जो है अवैध तरीके से दिव्यांगों की बोगी में जाकर बैठ गए हैं, जिन्हें उतारा जा रहा है। इस पूरे खबर पर एक बार जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो वो क्या कहते हैं वो भी सुनिए। एकदम ये जिन बात नहीं है कि जो विकलांग का बोगी है उसको विकलांग को ही बैठना चाहिए, या जो जनरल डिब्बा जिस चीज के लिए वहाँ अगर दूसरे पैसेंजर को ठूसा जाता तो यहाँ के स्टेशन मास्टर को, यहाँ के प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसा दिक्कत जो वाकई में विकलांग है उसी को उसका जगह देना चाहिए और ऐसे लोगों को जरूर बाहर निकलना। महिला बोगी महिलाओं के लिए, विकलांग बोगी विकलांगों के लिए, समान की बोगी समान के लिए, एकदम ऐसा ही होना चाहिए। जो विकलांग बोगी है उसमें विकलांग बैठे, जो महिला की बोगी है महिला ही उसमें सुरक्षित सफर करे और जो सामान्य बोगी है सामान्य लोग ही उस पर ये जाए। ये व्यवस्था यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के स्टेशन मास्टर को देखना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि जब आपका चैनल इस चीज़ को दिखाएगा तो इसमें सुधार करने का ये लोग प्रयास करें। जबरदस्ती चढ़ता है लोग, आप मना किए थे? हाँ, बोले खोला, खोल नहीं रहे थे हम लोग तो, क्योंकि जबरदस्ती घुस जाता है, बैठ जाता है। अच्छा, और एकदम ऐसा भी नहीं, अभी देखिए बिछावन पिछा के जाता है। अब बताइए कि जो विकलांग है या जो भी मैंने कोई भी ऐसा नहीं है, रोगी है, वो कैसे जाएगा? अभी और जो चलेगा रोगी वो कैसे ऐसा होते रहता है। आप लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कोई दूसरा ना चढ़े? जी जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जबरदस्ती करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जो नज़ारा है ये भागलपुर का है जहां पर जमालपुर हावड़ा ट्रेन के दिव्यांग कोच में आम लोगों ने कब्जा जमा लिया है। वहीं बताते चलें कि टीम की नज़र पड़ने पर आरपीएफ कुछ देर के लिए हरकत में आ गई जहां पर दिव्यांगजनों के बोगी से आम यात्रियों को निकाला गया, लेकिन ट्रेन के खुलने के साथ ही फिर से इसमें आम यात्री सवार हो गए। वहीं आरपीएफ सिर्फ खड़ा होकर मुंह ताकती रह गई। सरकार जहां दिव्यांगजनों को सहूलियत देने के लिए ट्रेनों में कोच की व्यवस्था करती है, लेकिन रेल पुलिस की अनदेखी के कारण इस पर आम यात्री कब्जा जमाए रहते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से रेल पुलिस लापरवाही करती है उसी का नतीजा है कि आम लोग जो है दिव्यांगों के बोगी को कब्जा लेते हैं और इस वजह से दिव्यांगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि रेलवे के तरफ से यह नियम है कि जो दिव्यांग की बोगी है उसमें सिर्फ दिव्यांग लोग ही यात्रा करेंगे, उस पर आम जनों का कब्जा नहीं होगा, लेकिन लापरवाही ही इसका एक मुख्य कारण है जिस वजह से दिव्यांग जनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस पर आम लोग कब्जा जमाए नजर आते हैं, लेकिन इस पर कहीं से भी आरपीएफ की नजर नहीं होती। जब भी इस पर सवाल किए जाते हैं तो कुछ देर के लिए कार्रवाई कर दिखा दिया जाता है, लेकिन बाद में नजारा फिर से वही होता है और नतीजा सिफर ही होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बार फिर से आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरह से अवैध कब्जा किए हुए यात्रियों को उतारा गया ट्रेन से, लेकिन जैसे ही ट्रेन की बोगी खुल जाती है एक बार फिर से आम यात्री जो है दिव्यांगों के बोगी पर कब्जा कर लेते हैं, कब्जा जमा लेते हैं और यूं ही यहां पर खड़ी पुलिस जो है मुंह देखती रह जाती है। फिलहाल के इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।